हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, इसराइल के सहयोग से उत्तर प्रदेश की किस नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है वरुणा नदी। अगला क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए कितने लाख रुपए से बाड़ा बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख रुपए से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट वन ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो इन दोनों की जो PDF है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला विषय है, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत फंड के उपयोग में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान। और ध्यान रखेंगे जो हमारा देश भारत है, भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस रैंक पर आता है? तो 87 यानी कि 87वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उदीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विमोचन किया? तो ये जो पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, ये आराधना जौहरी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता किस देश में शुरू हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में हुई। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7वें स्थान पर। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। इनके द्वारा जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया जो कि 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश है उसे 7वां स्थान मिला है। नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए कि जो इंडेक्स है कौन सा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें जो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है ये 7वें स्थान पर रहा। अब इसमें अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप 18.01 अंक के साथ जो कर्नाटक है ये बेस्ट इसका प्रदर्शन रहा यानी कि ये पहले स्थान पर रहा। और जो तेलंगाना है ये दूसरे स्थान पर रहा और जो हरियाणा है ये तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप जो 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है हरियाणा, और हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश ये रहा 7वें स्थान पर। और ध्यान रखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
और दोस्तों नीति आयोग की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे आप नीति आयोग से, नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग से आपको ध्यान रखना है उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बैरी, नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं तो ध्यान रखेंगे आप परमेश्वरन अय्यर, ये जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्थान ने आईवी बोतल डिटेक्टर डिवाइस बनाई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर संस्थान ने। आईआईटी कानपुर ने एक नई पहल की है और ये पहल क्या है तो अब क्या होगा कि जो मरीज हैं उन्हें ग्लूकोज चढ़ाने के बाद बार बार उनकी जो है निगरानी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक इस तरह की डिवाइस बनाई गई है। दोस्तों आईआईटी जो कानपुर है इसके द्वारा एक डिवाइस बनाई गई है जिससे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल जो डिवाइस बनाई गई है उसका नाम क्या है तो आईवी बोतल डिटेक्टर इस डिवाइस का नाम है। इस डिवाइस से क्या होगा तो इस ये जो डिवाइस है ये जानकारी देगी कि बोतल से चढ़ाए जा रहे ग्लूकोज में कोई रुकावट है या नहीं है। इसके साथ ही जब बोतल खाली होने वाली होगी तो उससे पहले भी ये जो डिवाइस है वो अलर्ट कर देगी, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उनको जो है इससे काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें बार बार जो है जो मरीज होगा उसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस संस्थान ने जो है एक आईवी बोतल डिटेक्टर नाम से डिवाइस विकसित की है तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कहाँ पर बायोटेक साइंस का हब बनाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। दोस्तों जो लखनऊ है ये जल्द ही बायोटेक साइंस का हब बनेगा। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही राज्य सरकार ने लखनऊ में बायोटेक पार्क को नई सुविधाओं और संसाधनों से लैस करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार से जो है 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के करीब 1000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे आप अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को बायोटेक साइंस का हब बनाया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुवैत के। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों कुवैत के जो अमीर हैं वर्तमान में कौन, शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, इन्होंने जो है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया। कुवैत का नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा द्वारा अपना इस्तीफा सौंपे जाने के 3 महीने बाद आती है जो पिछले 2.5 वर्षों में चौथा है। ठीक, अब यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो कुवैत है यहाँ के प्रधानमंत्री जो है कौन बन गए हैं तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं कुवैत के। अब यहाँ पर जो नाम है कि कुवैत के अमीर जो ये हैं शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा ये कौन है, यानी कि जो कुवैत के अमीर होता है तो कुवैत का अमीर जो है किसे कहा जाता है, तो दरअसल दोस्तों कुवैत का जो अमीर होता है वो जो है उस देश का सम्राट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुवैत के अमीर होते हैं जैसे वर्तमान में शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा ये कुवैत के अमीर हैं, तो ये जो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। जो कि अमीर होता है कुवैत का वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कुवैत का अमीर होता है वो जो है उस देश का सम्राट होता है या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने ही जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया है, किसे, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को। दोस्तों कुवैत की अगर बात की जाए तो कुवैत से ध्यान रखना है कि कुवैत की कैपिटल क्या है, तो कुवैत सिटी कुवैत की कैपिटल है। और कुवैत की जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बन गए हैं कौन, मोहम्मद सबा अल सलेम। और इसके साथ ही कुवैत की करेंसी क्या है, तो कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। दोस्तों जो असम के मुख्यमंत्री हैं कौन है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, इन्होंने जो है स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। ये जो योजना है ये कैसी योजना है, तो स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के
संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वनिर्भर नारी जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा असम से संबंधित है। और दोस्तों, ये जो योजना शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो स्वदेशी बुनकर हैं और जो हथकरघा वस्तुएं हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके, और जो स्वदेशी बुनकर हैं उनको जो है एक तरह से सशक्त बनाया जा सके। तो इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया है, और इसके माध्यम से क्या होगा, तो जो स्वदेशी बुनकर हैं इसके साथ ही जो हथकरघा वस्तुएं हैं उनकी जो सरकार है वो सीधे खरीद करेगी पोर्टल के माध्यम से। तो इससे जो है निश्चित तौर से जो स्वदेशी बुनकर हैं वो सशक्त बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ से संबंधित है, असम से। दोस्तों, असम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। तो भारत में पहला तेल का कुआं जो है ये कहाँ पर मिला, तो ध्यान रखेंगे असम के डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ में जो है ये खोजा गया है, जो कि देश का पहला तेल का कुआं है। भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये असम में शुरू किया गया, असम में जो है स्थापित किया गया है। अगला है माजुली द्वीप। दोस्तों, माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, असम में है, किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। अब दोस्तों, माजुली द्वीप से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे असम। तो ये असम से संबंधित क्वेश्चन है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत मनाता है। इस दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन जो है 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, यानी 22 जुलाई 1947 को, डेट ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई थी, और यहीं पर जो है इसी समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया, और इस तरह से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखेंगे आप कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी ने इस्तीफा दिया, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इटली के ये प्रधानमंत्री थे, ये इनकी यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, इटली के जो प्रधानमंत्री थे मारियो ड्रेगी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रमुख गठबंधन दलों ने जीवन की उच्च लागत से निपटने के उपायों पर उनकी सरकार के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसी वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। ड्रेगी ने राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला को अपना इस्तीफा सौंपा, हालांकि जब तक एक नया नेता नहीं चुना जाता है तब तक जो ये मारियो ड्रेगी हैं ये सरकार कार्यभाग क्षमता के तहत कार्य करती रहेगी। उन्हें फरवरी 2021 में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में मारियो ड्रेगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री पद से, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसे जो है पूरे 5 साल हो गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था, यानी ये जो योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये 21 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी। यह योजना जो है किस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो ये जो योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें खरीद मूल्य या सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। इस योजना में क्या होता है, तो इस योजना में
जो न्यूनतम पेंशन राशि है वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष और न्यूनतम पेंशन जो राशि है ये 1,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए इसमें निवेश किया जाता है। कितना? 162 रुपये जो है इसमें निवेश किया जाता है और इसी के तहत जो है इसमें ये पेंशन दी जाती है। ये जो कार्यक्रम है ये 2020 तक था, लेकिन अभी जो है इसे 31 मार्च 2023 तक का अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कब शुरू की गई थी, तो 21 जुलाई 2017 को ये शुरू हुई थी। और ये किसके लिए जो है योजना है, यानी इसे जो लाभान्वित होने वाले हैं वो कौन है, तो वरिष्ठ नागरिक जो है इससे लाभान्वित होते हैं। इससे क्या होता है इसमें, तो इसमें जो है न्यूनतम पेंशन दी जाती है 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये, और इसमें जो है न्यूनतम निवेश किया जाता है 162 रुपये का। दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये और पहले से योजना चल रही है, ठीक है। ये योजना जो है किस नाम से जानी जाती थी इससे पहले, तो इससे पहले जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से इसे जाना जाता था। और ये कब लॉन्च हुई थी, तो 2010 में ये लॉन्च की गई थी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदला गया और 2017 में इसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कर दिया गया, ठीक। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का पुराना नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि 2010 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी VLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है ये हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है ये VLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इससे क्या होगा, तो इससे जो है जो वाहन होंगे उन्हें भारत में कहीं पर भी ट्रैक किया जा सकता है, और इससे जो है आसानी से अगर आवश्यकता पड़ती है ढूंढने की तो उसे आसानी से ढूंढा भी जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश ने ये जो है पहला राज्य बन गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश से, ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो है देश में पहली बार स्नो मैराथन का आयोजन किया गया, यानी बर्फ में जो मैराथन हुई है उसका। अगला है कि अटल सुरंग, जो अटल सुरंग है इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग था, और ये है कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो पिलघाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ठीक, ये प्रमुख है, ध्यान रखेंगे। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला है नारी को नमन योजना, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो चारों पांचों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप, देश की पहली स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, और नारी को नमन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश है। और ये जो योजना शुरू की गई थी इसका उद्देश्य क्या था, तो जो महिलाएं थी राज्य की उन्हें जो है बस के किराए में 50% की छूट देना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 22 जुलाई को जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिवस मनाया जाता है। WHO के अनुसार अच्छा दिमाग स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और जीवन स्थितियों से निपटने के लिए अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकता है। और इस साल की थीम क्या रही विश्व मस्तिष्क दिवस की? तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम रही 2022 की विश्व मस्तिष्क दिवस की। तो ध्यान रखेंगे आपकी 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक तो अभी आपको बताया था कौन सा दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, और इसके साथ ही जो विश्व मस्तिष्क दिवस है, ये दो दिवस मनाए जाते हैं 22 जुलाई को।
तो दोस्तों ये थे 23 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, अमेरिका। और अमेरिका में कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे लॉस एंजल्स में। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।